भाई एक्शन बोल दो बहुत जोर से. एक्शन दैट्स हां थैंक यू. हाँ जी, मेरा नाम सत्यम है, मैं न्यूज़ क्लिक से हूँ और मैंने 3 एपिसोड्स देखे हैं चूना के अभी रिसेंटली. बहुत मुझको फ्रेश लग रहा है, जो एग्जीक्यूशन भी है ना, वो जो पूरा का शुरू के एनिमेशन वगैरह जो की हैं. तो पहला सवाल मेरा पुष्पेंद्र जी आप ही से है कि आपने ताजमहल 1989 बनाया था और उसके बाद वहाँ से हम शिफ्ट एक तरह का देख रहे हैं, कॉमेडी थ्रिलर है और अलग अलग कहानियाँ मिल रही हैं, फिर एक आदमी है जिसके खिलाफ 6 लोग शुरू हो चुके हैं. तो इसको एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करना चाहें चूना के, तो किस तरीके से डिफरेंट था अगर हम ताजमहल 1989 से कंपेयर करने की बात करें? तो ताजमहल 1989 वाज स्लाइटली लिटिल बिट लाइक यू आर इन देयर स्पेस, इट्स फ्लाई ऑन द वॉल काइंड ऑफ स्पेस, कि आप उनके साथ हैं, आप उस कमरे में हैं, आप उसको फील कर रहे हैं. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ थ्रिलर जिसमें आप कॉन्टेंट तो लोकल है और यू नो कहानियाँ तो आप को ऐसा लगता है कि जैसे आपके आसपास भी ये कहानी हो सकती है, ऐसी कहानी है, लेकिन इसकी अपील ग्लोबल है. इसकी फिनिश हमें एकदम एक इंटरनेशनल थ्रिलर के जैसी चाहिए थी. तो उसमें जो एनिमेशन, उसमें जो जिस तरीके के शॉट एंड जिस तरीके का एक्शन चाहिए था, वो सब हम लोगों ने उसी स्तर पे एग्जीक्यूट किया. पहले अर्शद वारसी कहाँ से आ गए? बहुत सरप्राइजिंग और बहुत ही मतलब शानदार जी, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो यही एक पॉइंट था कि हम सरप्राइजिंग और शानदार लगना चाहिए. फिर उसके लिए उनको क्रेडिट ले लूंगा सर मैं, जो आपने 2 शब्द मेरे उठाए. तो वही आप देखिए, ऑडियंस को हम दिमाग में रखते हैं ना कि जब क्रिएट कुछ कर रहे होते हैं कि सरप्राइजिंग और शानदार के लिए, वैसा ही एक चॉइस ढूंढना है जो आपको कॉमेडी का भी टच दे, थ्रिलर का भी टच दे और एट द सेम टाइम एक उसके अंदर एक स्टार पावर है जो ड्रॉज एन ऑडियंस टू लिसन टू द स्टोरी एंड ही क्रिएट्स दैट इंटरेस्ट, क्योंकि वॉइस ओवर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देयर एक्टर्स. जिम्मी जी, आपने ऐसे करेक्टर्स किए हैं पहले, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने किया. हमने राजा अवस्थी देखा है, भगवान दास मिश्रा देखा है, कई सारे हैं, या साहब बीबी गैंगस्टर का जो साहिब है. किस तरीके से डिफरेंट आपके लिए होता है, कैसे मतलब चैलेंजिंग कैसे होता है कि इसको यार उस वाले से अलग करना है, कि ये कभी सोचते हैं या आपको यही चैलेंज होता है कि इसको अलग करना है? तो इसलिए मैंने शायद जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट दी थी, मैंने जब पढ़ी थी तो यही था कि यार कहानी तो बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश है, एक नई चीज़ है, अगर जैसा रोल ये मुझे दे रहे हैं इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाटएवर. तो फिर उसके बाद काफ़ी वक्त तक हम लोग के जो है वो डिस्कशन होते रहे कि यार कैसे करेंगे, क्या होगा. राइटर का, एक डायरेक्टर का भी कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इसको एक अलग तरीके से निकालूंगा, मेरी दुनिया अलग है, मेरी कहानी अलग है, मेरा किरदार अलग है. लेकिन आप क्या देखा है, आपने सिमिलर काम अगर आपको सेम चीज़ मिलती है, मतलब सेम जैसे सेम नहीं मैं कह रहा हूँ लेकिन सेम अगर करेक्टर मिलता है, तो क्या आप ये समझने के लिए कि कैसे मैं अलग कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, देखते हैं पिछला काम, ऐसा प्रोसेस में आता है कि मान लीजिए आप साहब भी गैंगस्टर देख रहे हैं बैठे? मेरे दिमाग के अंदर है एक एक चीज़, बस उस चीज़ को, बिकॉज हम लोग इतना काम करते रहते हैं इधर उधर, ये वो अलग अलग रोल्स करते रहते हैं, कुछ नए रोल्स करते हैं, कुछ करते हैं. तो अब अगर मैंने कोई चीज़ कुछ साल पहले की हो, जैसे अगर मैंने योर ऑनर किया था, तो जब योर ऑनर का नेक्स्ट सीज़न अगर बन रहा होगा तो मैं उन दोनों को रिविज़िट करूँगा, सिर्फ कहानी के लिए नहीं, अपनी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि मैंने कुछ बीच बीच में चीज़ें की होती हैं जिनकी वजह से वो किरदार मेरे दिमाग में बनता है. मैं इस तरीके से अप्रोच करता हूँ, हर इंसान का अपना तरीका होता है. तो मुझे उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने क्या लैंग्वेज यूज़ की थी, क्या किया था. कुछ दिमाग में याद है कि मैंने पैंट 1 इंच छोटी की थी, छोटी गलती से आ गई थी, वो वॉश के बाद श्रिंक हो गई थी, तो उसको मैंने अपना एक मैनरिज्म बना लिया था, जिस तरीके से वो चलता है, सारा कुछ होता है एंड ऑल दैट फर्स्ट सीजन में. तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, तो मुझे वो देखना बहुत ज़रूरी होता है. तो अगर मुझे कल को गॉड विलिंग इसका सेकंड पार्ट करना पड़ेगा तो इसका मुझे देखना बहुत ज़रूरी है, दूसरी फिल्में देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है. बट इसके फर्स्ट सीज़न में मैंने क्या किया है, किस तरीके से किया है,
वो मेरे लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है। आशिम जी, आप तो छाए हुए हैं, मतलब एकदम ताज आया, उसके बाद जी करदा भी, और इसमें भी मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, मुझे ये देख के सोचता हूँ कि यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इस इंसान में। बिल्कुल लगता है कि ऐसे 40-40 साल से काम कर चुका है और उसके बाद जब स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल सच में जब स्क्रीन पे पहली बार नज़र आते हो, मतलब ऐसा लगता है कि यार इनको देखा हुआ है, मतलब ये नहीं कि शक्ल मैच कर रही है या कुछ जो है ऑरा मैच कर रहा है, लेकिन पूरा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना एक्ट करते हुए, लगता है कि यार इसको तो पता है ये चीज़ें, यार ये तो बहुत बार कर चुका है। तो कैसा महसूस हो रहा है, हर तरफ से तारीफ़ें मिल रही हैं, आई एम वेरी श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मैं लिटरली कल देख रहा था, मुझे लग रहा था कि यार इसको तो पता है। मैं सर से यही कह रहा था कि थोड़ा वक्त हो चुका है हमें शो जब शूट किया था, और अब तो मुझे बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो याद ही नहीं कि क्या किए, क्योंकि इतना अभी बीच में शोज आ गए हैं और इतनी अभी रिलीजेस आई हैं। लेकिन आई फील एज एन एक्टर, ए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट वन थिंग दैट यू इट्स अ विजन दैट योर डायरेक्टर एंड द राइटर हैज़। So to marry that world, you have to have that confidence that this is something that you can be able to pull off. Then for them to have that confidence also gives you the confidence that, okay, there's something, because you've done a certain character in the past, now to do a completely fresh character, which is so different from the last one, it's incumbent upon me that I unlearn all of that and I come in with a very fresh perspective. And when that happens, I feel most of it is also in the writing. Then particularly Pushi sir, his way of dealing with an actor and his character thereafter is very different from the kind of directors that I worked with in the past. There are certain directors who will just like let you be and you know, and you do whatever you want and then we'll figure out where we can meet in the middle. But with him, he was so sure of what he wanted from Ansari, which sometimes used to give me, make me underconfident, ki I don't know if I see it like that. But it's his vision that made me believe that, okay, if he's so certain about how he wants it to be, then I have to also unlearn from the kind of schooling that I have. So I think it was a mix of all, and I don't know what, I have not seen anything. So I will take your word very seriously on this. No, I mean it. Like I feel like I just hope that whatever we've done just comes out and across in a way that we all believed and saw that could be possible. And I'm just happy. Thank you so much for your kind words. It means a lot. And how was it working with Jimmy? अब जिमी सर के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं। मुझे प्यार है, मुझे 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 प्यार है जिमी सर से। मैं जेन्युइनली कहता हूँ, आई रियली रियली लव हिम। ही इज़, आई डोंट नीड टू से इट व्हाट आई, यू नो, द काइंड ऑफ एक्टर दैट ही इज़, द काइंड ऑफ पर्सन दैट पीपल नो, द वर्ल्ड नोज। बट इट, आई थिंक समटाइम्स यू नो यू कम अक्रॉस पीपल दैट वुड इंटिमिडेट यू, नॉट कॉन्शियसली बट बाय द बॉडी ऑफ वर्क। His aura is only so calm that he doesn't intimidate you. It actually is the opposite. He'll make you feel comfortable with where he's coming from, even though the character actually is the complete opposite. Like, so for me, like, that was a very interesting feeling, but a very nice one. So it was very comforting even to be sitting across him, who's, you know, playing this character of Shukla, who's supposed to be this, you know, this guy who's not very not good in his characteristics, but it was there was a certain sense of ease that he has, which actually gives you the opportunity to play whoever you want to be, not going overboard, but there's a good balance. So I really enjoyed working with him. Kya brief thi sir actors ko? Ek to mera ye sawal hai, aur dusra ye bhi ki jo hum abhi isse pehle political references ki jo hum baat kar rahe the, us pe agar thoda sa aap bata sake ki kya aapne इसको पूरा पॉलिटिकल रखने की कोशिश की है शो को, या बहुत ज़्यादा जो लोग हम देखते हैं आपस में और उस तरह की चीज़ें और पॉलिटिकल जो रेफरेंसेस भी हैं, कि आपने उसको सामने लेके आए या फिर वो कहीं बैकड्रॉप? कोई रेफरेंस नहीं है इसमें, मतलब कहानी अपने आप एक कहानी है, और उसमें जैसे आप कह रहे थे कि, तो अब आप देखिए कि बींग अ पॉलिटिशियन इज़ इज जॉब, वो ही कुड हैव बीन अ बिजनेसमैन, बट कहानी एक पावरफुल आदमी की है अगेंस्ट पावरलेस लोग, और वो किस तरीके से उनको
रौन देता है। तो इस कहानी में ज़रूरत यह थी कि उसके हाथ में STF भी हो, उसके हाथ में थोड़ी सी स्टेट मशीनरी भी हो, तो इसलिए वो पॉलिटिशियन है। और इसमें कोई रेफरेंस किसी चीज़ का नहीं है। अब अगर आप जैसे आप कह रहे थे कि तो लाइब्रेरी का आप नाम सोचेंगे तो उसमें किसका शिलान्यास होना चाहिए, श्यामा प्रसाद, ऐसा ही कोई नाम आप सोचेंगे, यू नो। तो इट्स इट्स कहानी का रूप ऐसा है कि उसमें से ऐसी चीज़ें आती हैं, उसमें कोई किसी और रेफरेंस ऑफ पॉलिटिक्स इज प्रॉबली इन दिस फॉर कपल ऑफ टाइम्स द फैक्ट दैट ही इज़ जस्ट अ हॉर्स ट्रेडर। अदरवाइज तो उसको पछाड़ने की बात है, अदरवाइज तो उसके बुरेपन की बात है, उसकी कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन वो करता है दूसरों को हराने के लिए उसकी बात है। तो कहानी में इट्स डेविड वर्सेस गोलायत, जहाँ पर बहुत सारे डेविड हैं और ये पावरफुल आदमी, और इसके हाथ में सिर्फ अपनी ही पावर नहीं है, इसके ये सितारों की पावर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। और जैसे अगर आप पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स तो देखिए हम सबके चारों तरफ हमेशा ही है, इट्स लाइक ऑक्सीजन इन इंडिया। तो अब उसके तो आप कहानी कोई बना ही नहीं सकते विदाउट एनी काइंड ऑफ बैकड्रॉप। तो इट्स जस्ट दैट, इस कहानी में कोई रेफरेंस उसका नहीं है। इट्स अ रिवेंज स्टोरी अबाउट सम पीपल हु आर लूजर्स हैं थोड़े से, और वो वो एक विनर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं और क्या वो कर पाते हैं। क्या ब्रीफ थी एक्टर्स को, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। चंदन रॉय हैं जो कि इनके असिस्टेंट एक तरह से बने हैं, और आशिम का करेक्टर है या जिम्मी का है या निहारिका दत्त, मेरे ख्याल से निहारिका दत्त का करेक्टर है। बहुत सही कास्टिंग मुझको तो लगी पर्सनली। तो क्या ब्रीफ रहती है एक्ट्रेस को जब आप देख रहे हैं कि छह लोग एक तरह से एक साथ काम करने वाले हैं बहुत लंबे समय तक? जी, साथ में काम करने की तो उनको ब्रीफ अलग थी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे इस कहानी के लिए तो सारे जितने हीरो हैं सबको ये ब्रीफ थी कि ज़्यादा हीरो ना बने क्योंकि सब लूजर्स हैं। आप सब कहीं से हारे हुए हैं, आप सब कहीं किसी आप शुक्ला जी से हराए गए हैं और आप जिंदगी में भी हारे हुए हैं, और आप कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन जब साथ मिलके काम करते हैं तो थोड़ी तोप बन जाते हैं। तो ये साथ मिलने का जो काम है, हमने इनको अपनी इंडिविजुअल पार्ट्स दिए थे। मैंने जितने भी ऑनसेंबल में और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, चंदन रॉय, विक्रम कोचर, निहारिका, नमित दास, यू नो मोनिका, अतुल श्रीवास्तव, ये सब इतने कमाल के पावर हाउस एक्टर्स हैं। इन सब के आप भी तो आप हम दोनों से इन दोनों से मिल रहे हैं, पर शो देखेंगे तो इतने कमाल कमाल के एक्टर्स हैं सब। और इन सबको हमने इनके इंडिविजुअल पार्ट्स ही दिए थे, पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी थी, और कहा था कि यह किरदार को सिर्फ इतना ही पता है और आपको भी सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। कोई शुक्ला जी आपकी इस कहानी के बाहर क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता होना चाहिए। अब इन्होंने आपस में गुटबाइनी की हो और फिर उसमें एक दूसरे के पार्ट्स पढ़ लिए हो तो बात अलग है, लेकिन यू नो you know, और बात भी वही थी कि एक दूसरे से मिलेंगे तो कैसे मिलते हैं आप उनको, दे जस्ट वर टोल्ड दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर कैरेक्टर, नाउ गो लिव इट, एंड यू डोंट नो अदर लेयर्स ऑफ शुक्ला। एंड शुक्ला जी की लेयर्स अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खुलती हैं, कि वो एक अनियन की तरह हैं, उनके बहुत सारे लेयर्स हैं, यू नो। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि माचिस, मोहब्बतें या उस समय की फिल्में, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तनु एट्स मनु से एक तरह से शुरू हुआ, हासिल में भी वैसा ही सा रोल था, और उसके बाद इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, मतलब और काफ़ी, जिसकी मैं एंटी हीरो की बात कर रहा था कि इंसान इतना ज़्यादा बुरा है लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मुक्काबाज का जो करेक्टर था भगवान दास का। तो इस जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं, चूँकि चॉकलेटी बॉय आपको कहा जाता था, आपने कई बार कहा है, और अब एक अलग तरह का रूप निकल के आ रहा है जिम्मी शेरगिल का, अगर हम पंजाबी फिल्मों को छोड़ दें तो किस तरह से इस पूरी जर्नी को देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 30 साल से ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं। जर्नी बढ़िया है, जर्नी चलती रहनी चाहिए, सफ़र का मज़ा लेना चाहिए। क्या पता कितना लंबा है, कितना छोटा है, क्या है, सफ़र का मज़ा लो। हर अब ये सीख लिया है ज़िंदगी में, छोटी फिल्म हो उसका भी उतना ही मज़ा लो, बड़ी फिल्म हो उसका भी उतना ही मज़ा लो, मज़ा ले करते रहो सब। चूना लग रहा है तो भी मजा लो, चूना लगा रहे हो तो भी। चलिए जी, बहुत मुबारक आप लोगों को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हमको उम्मीद करते हैं कि सबको ही अच्छी लगेगी, और जो बाकी आने वाले एपिसोड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे।